एक कैरेट लगभग 25 किलो में 25-50-100 किलो, एक कुंटल। तो गाइस गढ़वा पहुंच गया और मैं पूरा चिल्लर निकाल लिया हूं, देख लो हमने पीसीआर वाले खड़े हैं। भाई साहब ये गड्ढा है, कोई पानी में दिखेगा भी नहीं, और अभी तो मेरे सामने ट्रेन जा रहा है। तो दोस्तों ये लाइट है जो मेरा वो पासिंग के लिए बहुत सही है। और ये देखो ये गाड़ी कैरेट उसमें डलवा दिए हैं। और टायर इसमें नहीं है, और स्टेपनी टायर जो था वो एयर ले लिया है, तो वो भी टायर नहीं है। ये देखो, और इसमें का कैरेट इसमें ट्रांसफर हो गया, जबकि मेरे में इतना कैरेट था, देखो रस्सी बंधा हुआ है पहले से था, इतना कैरेट और डाल दिए और बोलते हैं जाओ ना भाई आप ही चले जाओ। अब क्या करेंगे गाइस, अब काम ले लिए तो जाना पड़ेगा, और होली भी है सामने में, तो आज 23 तारीख हो ही गया है, होली भी है आगे, तो चलो निकलते हैं। अरबाज भाई को ले ही लिया हूँ मैं, चले ही जाऊँगा, कल सुबह का मंडी भी है, रॉकेट मंडी भी लेना पड़ेगा। तो चलो भाई देख लो गाइस, मैं नहाया भी नहीं हूँ अभी और कुछ भी लेके नहीं आया हूँ, बस चार्जर लेके आया हूँ एक टुक, अब कुछ नहीं बहुत है इतना। मैं देखो हाईवे पे निकल गया हूँ, मैं जा रहा हूँ कुम्हारी के आगे लोडिंग पे। तो गाइस अभी क्या है, मैं थका हूँ अभी काफी ज्यादा, रोजा तो एक भी छोड़ना नहीं है, रोजा डेली रहना है। 41 चौक है आगे में, और यहाँ रायपुर है, रायपुर स्टार्ट हो जाएगा, तो मैं यहीं से मुड़ जा रहा हूँ, जो कि यही मेरा बाड़ी है, चावड़ा बाड़ी अंदर में। देखो दोस्तों चावड़ा बाग ये है, तो यहीं पे भी अंदर चलते हैं, बहुत बड़ा बाग है अपना, बहुत बड़ा रोड है, अपने को वहाँ चलना है अभी। तो फारा में बैठा हूँ, मैं दिखाता हूँ आप लोग को भी टमाटर कैसे बनता है, तो गाड़ी को भी लगा दिया हूँ, ये देखो टमाटर पूरा। तो देखो गाइस पूरा मशीन पे बन रहा है, देखो यहाँ कैरेट में छटा रहा है, जो कि अपने गाड़ी में लोड होगा। भैया लोग वजन करके डाल रहे हैं मेरे गाड़ी में, देखते हैं कितना टाइम में होता है। दोस्तों अभी दोपहर का 1:30 बज चुका है, और यहाँ पे अरबाज भाई ऊपर चढ़ गए हैं, और रस्सी तिरपाल कर रहे हैं हम लोग, गाड़ी हमारा पूरा लोड हो गया है। ये देखो और सुबह का 5 बजे का मंडी देना कैसे, तो फटाफट अभी रस्सी तिरपाल करते हैं। 2 बज गया है, हम लोग रस्ते पर सब कुछ कर लिए, हाथ नहीं धोया मैं, तो अभी हम लोग देखो हाईवे पर निकल चुके हैं, ये अपना हाईवे है। तो देखो गाइस सीधा आरंग रोड, महासमुंद रोड है, सीधा जाएगा जो उड़ीसा, और अपने को बिलासपुर बाईपास में कटना है यहीं से। 41 चौक है यहाँ, तो मेरे को लगता है हमेशा जाम ही रहता है। ये देखो तो अपने को बिलासपुर बाईपास में जाना है, तो अपने को खाली मिल गया पूरा रोड, ये देखो जाम लगा है। खुल करके निकल गए हैं और हम लोग, और क्या है मेरे को थोड़ा सा वीडियो का एडिट करना है, इसलिए मैं बैठ गया हूँ, और आप अरबाज भाई को दे दिया हूँ चलाने के लिए, तो अरबाज भाई चला रहे हैं, जब तक मैं वीडियो वीडियो एडिट कर लेता हूँ। मेरा डीजल आया है 4030 रुपये का, 4030 रुपये, क्या कि पहले से मेरी गाड़ी में डीजल ऑलरेडी 28 था, तो मान लो 2 रुपये दिया नहीं, और 30 रुपये का आया है, और देखते हैं कितने का डीजल लगेगा, क्या लगेगा। तो अभी हम लोग कहाँ पहुँचे भाई, अभी हम लोग टोल सर पोंगी टोल भी नहीं पहुँचे हैं, तो चलो पार करते हैं फटाफट बिलासपुर यहाँ से, अभी वही 100-120 किलोमीटर लगभग हो जो यहाँ से होगा। तो दोस्तों मैं गया था दुबे जी लोग के साथ, भाई लोग के साथ मूवी देखने के लिए पीवीआर, तो वाला वीडियो मेरा यूट्यूब ने अपने आप डिलीट कर दिया, उसको मैं डिलीट नहीं किया, आप लोग पूछ रहे थे क्यों डिलीट कर दिया, मैं डिलीट नहीं किया, और आजकल कुछ वीडियो का प्रॉब्लम चल रहा है, थोड़ा लेट से आ रहा, मैं एडिट नहीं कर पा रहा हूँ, तो कोशिश करूँगा कि 1-2 दिन के अंदर में लगातार मैं पूरे वीडियो डाल दूँ एडिट करके, तो आप लोग पूरे वीडियो जाकर मैं चेक कर सकते हैं मेरे आईडी पर, और अभी आगे से मैं गलती ना करूँ, गलती नहीं करूँगा, और हर वीडियो टाइम पर ही आएगा आगे से, क्या टाइम नहीं मिल पाता ना, अकेला बनता हूँ, कोई नहीं गाइस करूँगा हिम्मत है। तो अभी
टोल लीमा टोल प्लाजा था इसको पार कर दिया। अभी दो टोल और पड़ेगा जो कि नया रोड बना है कटघोरा वाला, कटघोरा एक टोल पड़ेगा और एक टोल अपना चोटिया में टोल पड़ेगा, दो टोल और पड़ेगा उसके बाद तो कहीं टोल वोल नहीं है। तो मैं फास्ट टैग में 1000 रुपये डालता हूँ बस, और फिर आना जाना हो जाता है बिहार से 1000 रुपये में। और डीजल भी 11000 का 10-11-12000 का लग ही जाएगा, 11000 का डीजल भी लग जाएगा जो भी मेरा खर्चा लगेगा, और भाड़ा भी मैं लास्ट में बता दूंगा आप लोग को। और रमानुगंज जो भी बॉर्डर पड़ेगा अपना 282 किलोमीटर में रमानुगंज है। दोस्तों ये रोड का एक कहानी बताऊं मैं आप लोगों को, जब मैं गाड़ी सीखता था ना आज से 5 साल पहले लगभग, तो मेरे बड़े भैया मेरे को सिखाए हैं, वही नजीर भाई मेरे हैं जो, तो वो ना मेरे को ये रोड, पहले ये रोड इतना बेस्ट तो था नहीं, इतना अच्छा था नहीं, बहुत सिंगल रोड था, इतना ज़्यादा खराब रोड था जिसमें बड़ा बड़ा डंपर और वही टेलर बड़ा बड़ा चलता था पूरा, तो इतना मार खाता था गाइस में, इतना मार खाता था, इतना रोता था मैं मुंह फुला लेता था, मैं आजकल कभी गाड़ी पे नहीं आऊँगा, फिर आता था क्योंकि मेरे को गाड़ी सीखना रहता इसीलिए मैं फिर आता था। तो मेरा बहुत कहानी है रोड में देखता हूँ, तो अभी तो नया रोड बन गया है, भाई लोग अभी सीखे हैं लोग के लिए तो बहुत सही है, ज़्यादा कुछ टेंशन का बात है नहीं। बोल लगता है फिर भी रोड अभी स्टार्ट नहीं किए हैं, देखो ना गाइस स्टार्ट होगा पता नहीं कब तक, क्या बोल रहे हो, यहाँ से घुमा के सिटी अंदर जाना पड़ेगा अपने को, सीधा से पहले तो सिटी अंदर जाने से पहले यार टर्निंग पड़ता है, जो कि ये टर्निंग लोगों का जिंदगी बदल सकता है, यहाँ पे अगर आराम से ना चलाए तो यहाँ तक गाड़ी घुस जाती है स्पीड में आती है, तो बहुत खतरनाक टर्निंग है। तो भाई क्या बोल रहे हो, इसको याद रखना बहुत जरूरी है, और मेरे को तो याद ही रहे हर गाइक में 4-5 साल से ये रोड में आना जाना मेरा हो रहा है। दोस्तों कटघोरा सिटी में आ गया हूँ मैं, अपना छोटा गाड़ी है हम लोग सिटी अंदर जा सकते हैं, क्या समझे, हम कहीं भी जा सकते हैं, हम कहीं भी जा सकते हैं, बात तो सही है। अभी गाड़ी रोक दिया यार बाज भाई कटघोरा में, ठीक है, और हम लोग रोजा है ना तो कोई 5:30 बज गया अभी तो, और अभी आधा एक घंटा बचा होगा 40 मिनट 50 मिनट। तो कटघोरा सिटी में देखो आगे बस स्टैंड है, यहीं पे गाड़ी साइड लगा दी है रोड से नीचे, अपनी गाड़ी तो हमेशा साइड ही लगा लेते हैं हम लोग, और उसके बाद चलते हैं अभी लेके आएंगे कुछ कुछ खाने के लिए, चलो। तो पैदल पैदल जा रहे हैं हम लोग, और हाँ 1-2 रुपये कम रेट नहीं देंगे, 1-2 रुपये। अबे साले तभी बस स्टैंड में तो आ गए, बस स्टैंड के 100 मीटर आगे ही गाड़ी लगाए हैं, तो ये देखो यही है बस स्टैंड यहाँ का। फिलहाल ज़्यादा कुछ नहीं लिए हम लोग, अंगूर लिए हैं, और ये देखो क्या ये तरबूज, अंगूर और तरबूज बहुत महंगा है, बहुत महंगा, भिखारी बना देंगे यहाँ पे। तो यहाँ से अंबिकापुर अभी 142 किलोमीटर और है, और ये अपना सिंगल रोड अभी चालू हो जाएगा, सिंगल रोड है क्योंकि अब पूरा अंबिकापुर तक यही रोड है, अंबिकापुर के पूरे रास्ते पर अब ऐसी रोड पड़ेगा मेरे को, बीच में थोड़ा बहुत 4 लेन जो बना है झारखंड में। तो जानवर का पार होने के लिए बनाया गया है जो कि ये रोड में ऊपर वाला ब्रिज, ओवर ब्रिज, ये गाड़ी रोक दिया मार्केट में, क्या मिलता है यहाँ पे, समोसा बहुत अच्छा मिलता है, चटनी बहुत बढ़िया है, समोसा कहाँ है देखिए नहीं रहा, समोसा है, समोसा तो आपका समोसा तो है नहीं, कितना टाइम लगेगा भाई, बनी तो गाइस अरबाज का समोसा मिला नहीं, उसको बेचारा बहुत ऐसे इंतजार करते करते आ रहा था। दिल तोड़ दिए और रोक दिया यार बाद गाड़ी, तो मैं समोसा लेकर आता हूँ वहाँ से, वो देखो वो है दुकान, क्या भाई अच्छा ठीक है, समोसा वोसा ला लिया हूँ फिलहाल, और जलेबी है, चलो दोस्तों सब तो ले लिए हैं, और टाइम भी हो गया 6:10, और पानी बोतल लेना भूल गया हूँ, तो आगे देखते हैं, ये देखिए घाट है छोटा सा, इसके जस्ट आगे में एक तो मार्केट पड़ेगा, तो वहीं पर मैं ले लेते हैं मार्केट में, तो वो मार्केट है वहाँ पर, वो देखो पानी बोतल ले लिया हूँ, देखो दुकान गाड़ी ले भर रोक लिया हूँ, और बाद एक बोतल पानी भर लिया ले लिया हूँ, एक स्प्राइट भी ले लिया हूँ गाइस, और बाद अभी और कुछ कुछ ले रहा है जो, जब तक मैं इसको खोल लेता हूँ सबको, टाइम भी हो गया लगभग। तो अभी दोस्तों मैं चलाऊंगा यहाँ से अंबिकापुर 10-15 किलोमीटर बचा है, रतनपुर लखनपुर सब पार हो गया, उदयपुर और भाई बहुत चला लिया था। अभी क्या है मैं यही रोड में ज़्यादा चल रहा हूँ, क्या है कि टमाटर लोड होता है तो गाड़ी के अंदर पूरा डाले के अंदर भी आ जाता है, और अस्सी तिरपाल का ज़्यादा झंड झंड नहीं रहता है, डाले में पूरा गाड़ी में लोड हो जाता है, और इधर अभी मेरे को सही भी लग रहा है, तो मैं इधर ही चल रहा हूँ लॉन्ग ट्रिप, ज़्यादा 700 किलोमीटर डेली अपने आना जाना इधर ही हो रहा है, अभी अंबिकापुर पहुँच गया हूँ मैं लगातार, अभी यही रोड में चल रहा हूँ, चौथा पांचवा ट्रिप हो जाएगा मेरा, तीसरा चौथा ट्रिप हो जाएगा इस। तो अभी तो 9 ही बज रहा है, और अभी आज हम लोग जल्दी अंबिकापुर पहुंच गए, तो हमारे लिए अच्छा है,
फिर भी 5 बजे तक तो सुबह का मंडी सासाराम जहाँ मैं जा रहे हैं वहाँ का मंडी दे ही दूंगा। और क्या है ना कि अभी कुछ खाने का टाइम भी नहीं, रोकने का मन नहीं करता है गाइस गाड़ी वाड़ी। तो एक काम करूँगा, बिरयानी को पार्सल करवा लूँगा, जैसे एक बार और पार्सल करवाया था वैसे ही। तो पार्सल करवा के बिरयानी को लेकर चल जाऊँगा और खा लेंगे हम दोनों जन गाड़ी चलती गाड़ी में एक एक करके। फिलहाल तो अभी मेरे को अंबिकापुरा रोड में पहुँच चुका हूँ, मुड़ जाते हैं यहीं से अपने राजपुरा रोड के लिए। का दुकान जहाँ पिछली बार बिरयानी लिया था, तो यहीं से बिरयानी ले लेते हैं पार्सल, चलते गाड़ी में खा लेंगे अपन लोग, टाइम वेस्ट करें कुछ मतलब नहीं। भैया दो हाफ पार्सल कर दीजिए ना। कितना है? एक हाफ तो आप पार्सल कर दीजिए। अपनी गाड़ी तो अलग ही दिखती है दोस्तों। देखो भैया गरम गरम निकाल रहे, धुआं भी निकल रहा पूरा। पार्सल प्लेट भी रखवा दिया हूँ तो रख लेते हैं अभी यहीं फिलहाल। दोस्तों मैं अभी गाड़ी को मॉडिफिकेशन करने का सोच रहा हूँ, तो बहुत जल्दी करवाऊँगा पूरी गाड़ी को मॉडिफिकेशन। तो अभी तो यहाँ से 330 किलोमीटर और मैप में दिखा रहा है, तो मान लो 350 किलोमीटर अभी और हम लोग को गाड़ी चलाना है। तो अभी तो मैं खाऊंगा नहीं, अरबाज भाई खाएगा तो खा सकता है। अरे बिल्कुल खाएंगा, भूख बहुत बुरे लगे मुझे। भूख लग रहा है? अरे भाई ये बातें कर रहे हैं फिर सर तुम देख के बनाए। तो ठीक है अरबाज को खाने दो और मैं तो बाद में खाऊंगा। अरबाज भाई को गाड़ी देकर लगभग 100 किलोमीटर चला लेता हूं। तो गाइस अपना क्या क्या लेके आया था बाड़ी से? टमाटर और क्या है भाई? खीरा है। और ढाबे से नमक भी लिया था, कहाँ है नमक का? तो गाइस ये देखो नमक भी ले लिया था ढाबे से अपना यही। तो अभी देख लो निकाल लिया अरबाज, क्या क्या भाई क्या क्या खा रहे हो? बिरयानी, टमाटर, खीरा और इसके साथ खाएंगा चटनी। चलो खा लो आप जल्दी जल्दी। दोस्तों खराब रोड में गाड़ी चलाते चलाते तो अभी हालत खराब हो गया, एकदम खड़बड़ 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 और गाड़ी पटकता भी है। तो अभी लोड गाड़ी में उतना नहीं पता चलता है, फिर भी अब अच्छा रोड देखो चालू हो गया। और ये है ना जो पास्ता के पास है, पास्ता जगह का नाम है यहाँ का, तो पास्ता के जस्ट आगे से अब यहाँ से बलरामपुर बचा होगा 20 किलोमीटर लगभग। बलरामपुर तक ये रोड अभी सही है, फिर बलरामपुर रामानुगंज 30 किलोमीटर वो रोड फिर खराब है। तो यही अपना रामानुगंज तक रोड खराब ही है पूरा। दोस्तों वाटर पार कर लिया हूँ मैं, और क्या है थोड़ा आईपीएल देख रहा था, मैच देख रहा था, केकेआर और हैदराबाद का मैच चल रहा था आज। तो आज तो आज का मैच तो क्या देखने में मज़ा आ गया, मैं देखता बस हूँ। और अभी क्या है रंका पहुँचने वाला हूँ, बॉर्डर ऑर्डर भी सब पार हो गया हूँ, अपना भाई तो सो रहे हैं। तो वैसे यहाँ का रोड कितना ख़राब है, सिटी के बीच का रोड इतना ख़राब है। तो वैसे अभी रात का टाइम है तो खाली पिकअप उकअप चल रही है, और वो डैम के पास देखो इस पर लाइट लगा हुआ है, पहाड़ी आगे में। दिन में मेरे ब्लॉग में जाके देख सकते हो, कई ब्लॉग में दिखाया हूँ, अभी लॉन्ग इधर ही चल रहा हूँ मैं डेली। तो गाइस गढ़वा पहुँच गया और मैं पूरा चिल्लर निकाल लिया हूँ, देख लो। अब क्या ना यहाँ से पूरा पैसा देना पड़ेगा, उन्हें पीसीआर वाले खड़े हैं। तो ये लोग क्या ज़्यादा नहीं 20-50 रुपये बस मांगते हैं, और क्या नहीं दो तो दौड़ा देते हैं, कोई मतलब नहीं है, देना पड़ जाता है। देखो गाइस ये मेरे सामने जा रहा है अभी मिर्ची गाड़ी, जो कि सब अंबिकापुर का है। तो ये लोग को निकलने तो मैं तो नहीं निकल पाऊँगा। तो ये भी रोड कितना खराब है भाई साहब, ये गड्ढा है, कोई पानी में दिखेगा भी नहीं। तो ये रोड जो है वो रेला तक थोड़ा सा खराब है, और अभी तो मेरे सामने ट्रेन जा रहा है रोड पे हो भी। इस खराब रोड होने की वजह से ये गाइस 22 किलोमीटर एट को है, और औरंगाबाद है 93 किलोमीटर। तो देखो गाइस सिंगल रोड में आज भी बड़ी बड़ी गाड़ी रात में घुस गई है पूरा, ये देखो। मैं तो रोड से नहीं उतरूंगा गाइस, लोड है मेरा गाड़ी। तो देखो गाइस ये बड़ी गाड़ी जो कि रास्ता पूरा घेर ली है, तो हम लोग पासिंग लेने के लिए। क्या है ना पूरा सिंगल रोड है, तो इसको बोलते हैं इटको मोड़। और मैं आ गया हूँ अब सीधा वही गढ़वाल रोड में, गढ़वा से छतरपुर रोड में अपने। तो दोस्तों अभी लक्ष्मी ढाबा छतरपुर, और लक्ष्मी ढाबा से पहले ही
क्योंकि अभी मंदिर पड़ता है, वहीं पर मंदिर के पास रोके हैं। और बाद में कुछ उठा दिया हूँ, चाय पी लेंगे। और इनका जैकेट है यार गाड़ी में, मेरा ये है क्या? तो यही जैकेट है इनका। तो अभी चलो चाय पी लेते हैं और मैं खाना भी खा लूँगा। उठो भाई, ब्लॉग कर दो, गाड़ी बंद कर देते हैं। 5 मिनट चालू था, 4 पॉइंट चालू है मेरा। पर्स पर्स रुको, पर्स पर्स अभी रात का 1:30 बज चुका है और अपने को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, यहाँ से 2 घंटा 2.5 घंटा लगेगा। तो 1:30 तो यही बज गया, 2.5 घंटा मान लो, 4 बजे तक मंडी कर देंगे हम लोग। 2 बजे निकले थे तो 14 घंटा का टाइम मिल रहा था, 14 घंटे में कोशिश कर दी है हम लोग पूरा, 14 घंटे में आराम से पहुँचा देंगे। और देख लो गाइस, अभी भाई भी चाय पी लेते हैं। चलो गाइस, अपनी गाड़ी तो अलग ही दिखती है, अपनी गाड़ी वहाँ खड़ी है और यहाँ पे बहुत सारी गाड़ी खड़ी है पिकअप, लेकिन ये सब 1.3 है गाइस। हम और मेरी गाड़ी एक्स्ट्रा लॉन्ग है, 1.3 और 1.7 में फ़र्क है थोड़ा। देखो गाइस, कुल्हड़ चाय ले लिया हूँ मैं, बैठ के पीते हैं थोड़ा सा। गाड़ी में बैठने का और कुर्सी में बैठने का बात ही अलग है। भाई को क्यों ठंडा लग रहा है इतना पता नहीं। तो अरबाज भाई को दे दिए चलाने के लिए, तो यहाँ पूरी पिकअप ही खड़ी है पूरा लाइन से। अभी बैठते हैं गाइस, खाना खाते हैं। खोल दो गाइस, समझे या हुंदा। तो ये देखो गाइस, बिरयानी तो मैं अपना निकाल लिया हूँ, पीस कहाँ है, देखो पीस भी है और एक और पीस, दो पीस है और इसमें चटनी है, हरी चटनी। तो अभी फिलहाल तो खा लेता हूँ मैं, और उसके बाद तो अभी अरबाज भाई चलाएगा और चाय पीने के लिए कहीं रुकेगा। और मंडी पहुँच गया टाइम पे 4 बजे, तो अपना शहरी का टाइम बचेगा तो वहीं पर कुछ खाएंगे। तो यहाँ से औरंगाबाद 45 किलोमीटर है और वही 50, मान लो 100 किलोमीटर अभी यहाँ से बचा होगा अपना सातारा मंडी, और 2 तो बज गया है तो 2 घंटा और ले लो, तो वही 4 बजे तक तो पहुँच ही जाएंगे। जब मैं थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ, अरबाज भाई चला रहे हैं, जब तक 100 किलोमीटर बस चलाना है। तो दोस्तों अभी बज रहा है 3:30 और अरबाज भाई लेके आ गया था, मेरा आँख लग गया थोड़ा, तो अरबाज भाई सीधा मंडी लेके आ गया, मेरे को उठा दिया। और अभी मैं फ़ोन लगा रहा हूँ पार्टी वाले भैया को, क्या है कि मंडी इतना टाइम तो चालू हो जाता है यहाँ का, आज पता नहीं एक भी गाड़ी नहीं आई है, लग रहा है कुछ बात है होली वोली के कारण, हो सकता है छुट्टी उट्टी होगा। देखो भाई पूरा खाली खाली है, मंडी इतना खाली रहता नहीं है। अब सामने में थाना भी है, देखो सासाराम का थाना। तो अभी फटाफट मैं फ़ोन लगाता हूँ, ये ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं सुबह तक। तो गाइस देखो, मैं ये रोड में खड़ा था तो मेरे को मंडी पूरा सुनसान लग रहा था, तो अभी जस्ट 5 मिनट में ये लाइन में घुसाया हूँ और तिरपाल उरपाल भी खोल दिए हैं, तड़फड़ खाली भी होना चालू हो गया अपनी गाड़ी। ये देखो खाली कर रहे हैं, तिरपाल लपेट लेते हैं। तो रस्सी तिरपाल भी हो गया है, देख लो गाइस रख दिया तिरपाल, और जस्ट सामने चाय दुकान भी है, तो चाय पी लेते हैं। रोजा रहना है कि नहीं यार? तो रोजा भी रहना, और देख लो गाइस एक साथ कितना कितना कैरेट ले आ रहे हैं। चार एक कैरेट लगभग 25 किलो का, 25-50-100 किलो, 1 क्विंटल 1 क्विंटल लेके यार आराम से ले जाओ यार। आइस देख लो गाइस, बड़ी बड़ी आइसर आइसर सब घुस जाती है इसमें, और गली इतना छोटा सा है, मेरी गाड़ी तो वो खैर सबसे सामने में खड़ी है। हम लोग मंडी घूम रहे हैं जब तक अंधेरे में कुछ खाने की तलाश में। देखो गाइस एक गाड़ी यहाँ खड़ी, क्या मॉडिफिकेशन है, वेस्ट बंगाल गाड़ी है। तो देखो गाइस गाड़ी में बैठा हुआ था भैया, आगे पर्ची काट दी मेरा मंडी का, और डेट आज का 24 तारीख का। तो गाड़ी अपनी खाली हो गई है, बस थोड़ा बहुत कैरेट बचा है, 10 कैरेट होगा, 15 कैरेट। उसके देखो गाइस रास्ता पूरा जाम हो गया, इधर भी गाड़ी है, बगल में भी गाड़ी है। हे गाइस गुड मॉर्निंग, और अभी सुबह का 7:30 बज चुका है, मेरे को निकलते निकलते क्या है ना, मैं गाड़ी तो सुबह ही खाली हो गई थी बट कैरेट नहीं डाला था, कैरेट के रुकना पड़ गया हम लोग को। 7:30 हो गया है, अभी आप लोग आगे चल के हिसाब बताऊंगा, अब यहाँ से निकलते हैं पहले। देख लो गाइस क्या है हाल यहाँ का, पूरा गली है, सामने से गाड़ी आ गई, अब कैसे करेंगे गाइस। दिन में गली में बहुत दिक्कत होता है, रात में एक बार खाली भी रहता है। ये देखो अब क्या करूँ मैं, सामने ही खड़ा कर दिया, क्या करें गाइस,
निकल गया निकल गया। देखो इधर जाम देखो, अभी तो फिलहाल जाम स्टार्ट हो गया होगा। नहीं अभी नहीं है। देखो आगे में पूरा भीड़ उड़ लग गया मार्केट। नहीं है अब बहुत नहीं है, यहाँ सुबह ही उठ जाते हैं। बिहार है ये तो बिहार का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो कि रोड का और जाम का। देखो गाइस रोड देखो, सासाराम सिटी का रोड है ये जो कि। देखो गाइस हाईवे पे चढ़ गया हूँ मैं, कलकत्ता वाला हाईवे। देखो ये महिंद्रा शोरूम के सामने से ही कटना पड़ता है। मैं तो सोया नहीं था, अपना अरबाज भाई पूरा सोया है, अच्छे से नींद पूरा किया है। तो चलते छत्तीसगढ़ में भाई को देंगे चलाने के लिए। अभी झारखंड पारी कर लेता हूँ मैं, और अभी सबसे पहले डीजल फुल करवाना है। तो मैं डीजल तो अभी ब्लिंक नहीं हो रहा है, तो बुक बाग नहीं हो रहा है। अभी है एक कांटा पीला बत्ती, तो ज़्यादा नहीं चलेगा वो तो, 20-30 किलोमीटर मेरे हिसाब से उतना भी नहीं चलेगा, ब्लिंक हो ही जाएगा। तो उससे पहले टंकी फुल करवा ही लूँगा मैं, और हो गया तो अभी दिक्कत नहीं है, टंकी फुल करवाएंगे फिर बताता हूँ आप लोगों का हिसाब क्या रहेगा मेरा। तो पूरा वीडियो जरूर वॉच करें मेरा। गाइस मैं पहुंच गया हूँ डेहरी आनसून, और यहाँ पर क्या बहुत लंबा ब्रिज है फाटक के। देखो गाइस जियो का पेट्रोल पंप रिलायंस वाला, यहीं पर टंकी फुल होता है, फटाफट करवाते हैं। फुल हो रहा है उसके बाद बताता हूँ। तो अंकल टंकी फुल कर रहे हैं, यहाँ का रेट है 93 रुपये 9 पैसा। भाई टंकी फुल हो गया 5000 में लगभग, तो 14 पैसा हो क्या ही गिनेंगे, 5000 हो ही गया। बिल भी दे दिया हूँ अंकल को पूरा पैसा। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूँ, इस चक्कर का मेरा जो टोटल डीजल में देखा तो 10000 का मेरा टोटल डीजल लग गया, और जो कि टोल डाले थे फास्टैग में 1000 का, और जो भी और क्या लगा, और पुलिस खर्चा लग गया होगा, बॉर्डर पुलिस खर्चा 500 टोटल, और खाना पीना का मैं जोड़ता नहीं हूँ, 80000-1500 हो ही जाता है मेरा खाना पीना का। तो और जो भी साथ में अरबाज भाई को दूंगा। तो इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं कल के ब्लॉग में। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा आप लोग को, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय।